बिहार के बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां ट्रक और अंचलाधिकारी के वाहन के बीच आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में सीओ वाहन के चालक सिपाही और सीओ जख्मी हो गए। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र के सुशील नगर के पास NH 31 की है। बताया जाता है कि बरौनी सीओ सुमन कुमार परीक्षा ड्यूटी में थे और क्वेश्चन पेपर लेकर बेगूसराय परीक्षा केंद्र जा रहे थे, तभी सुशील नगर के पास और सीओ वाहन और ट्रक में आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। टक्कर में सीओ का वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में सीओ वाहन के चालक दो सिपाही जख्मी हो गए हैं, जब सीओ को भी मामूली रूप से जख्मी है। सभी घायलों को तत्काल पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर सिंघौल थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और वाहन को जब्त कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि टक्कर इतनी भीषण थी कि सीओ का वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। घायलों में सीओ भवन पर सवार दरोगा अनिल कुमार सिंह, होमगार्ड जवान परविंदर यादव, उदय कुमार झा और चालाक धर्मेंद्र कुमार शामिल है। हालांकि सभी का प्राथमिक उपचार निजी अस्पताल में किया गया है और सभी खतरे से बाहर हैं। घायल सीओ सुमन कुमार ने बताया कि क्वेश्चन पहुंचाने जाने के दौरान अनियंत्रित टैंक लोरी ने ठोकर मार दी, जिसमें घायल हो गए हैं। बेगूसराय से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। इंटर का क्वेश्चन गश्ती में मेरी ड्यूटी लगी थी, क्वेश्चन पहुंचाने में, वही क्वेश्चन लेके चले थे। चार सेंटर था मेरा सुशील नगर से पहले ही जो कट था, कट से पहले पिकअप आगे निकला और उसके बाद मेरी गाड़ी इनकी, उधर से एक अनियंत्रित एकदम बिल्कुल टैंक लोरी आ रही थी और बिल्कुल आमने सामने की टक्कर हो गई। सर को कितने लोग घायल हुए हैं? घायल तो सब हैं, मेरे तीन गार्ड थे, अंचल गार्ड, एक एसआई थे लाखो थाना के जो मेरे साथ ड्यूटी में थे, एग्जाम ड्यूटी में, और ड्राइवर है। घायल सब है, एक को थोड़ा सा ज्यादा लग गया है, उसको 11 स्टिच, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 11 स्टिच लगा है। आपको भी सर कैसा लगा? मेरा ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत चोट है, हल्का फुल्का, ज्यादा कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। बगल में हॉस्पिटल है, साहब।